हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद कूलम्स लॉ। बेटा जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्लस वन में, ग्रेविटी में एक मास ग्रेविटी डेवलप करता है। जैसे ये अर्थ है, इसकी ग्रेविटी है। इफ यू हैव टू डिटेक्ट दैट ग्रेविटी, यू हैव टू प्लेस अनदर मास। लाइक यू विल ड्रॉप ए स्टोन फ्रॉम ए हाइट। वो स्टोन जब नीचे गिरेगा तो उसका रीजन ये है कि इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी। इसी तरह एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और दूसरा चार्ज उसको डिटेक्ट करता है। सो कूलम्स लॉ, जस्ट लाइक फोर्स बिटवीन टू मासेस, अगर हम दो मास इन ग्रेविटी आर डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो उसमें जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। कंबाइनिंग दीज टू वी गेट एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। हियर जी इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एंड ये जो फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। मीन्स टू से कि अगर दो मास किसी जगह पड़े हैं उसके बीच एक थर्ड मास आ जाए तो वो फोर्स थर्ड मास से इफेक्ट नहीं होती। जैसे ये दोनों मास M1 और M2 हैं, इनके बीच कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो फोर्स इनके बिटवीन जो भी है वो इफेक्ट नहीं होती, फोर्स सेम रहती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। अब जो हम कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं इसमें ये है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज अट्रैक्टिव भी होते हैं अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। दिस इज द केस ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ग्रेविटी में सिर्फ अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है। अब यहां एक चीज देखने के बाद ये है, एक तो ये डिफरेंस है कि यहां सिर्फ ग्रेविटी में सिर्फ अट्रैक्शन होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है। और दूसरी चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। मीन्स डिफरेंट टाइप के मीडियम बिटवीन टू चार्जेस डिफरेंट तरीके से उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कंडक्टिंग मीडियम का इफेक्ट अलग है, इंसुलेटिंग मीडियम का इफेक्ट अलग है। देखिए अब बेसिकली सबसे पहले हम इस फोर्स को डिफाइन करते हैं या कूलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। न्यूमेरिकली एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू एंड एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। नाउ कंबाइनिंग दीज टू वी गेट एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये बेटा बिल्कुल सिमिलर है, हियर एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, हियर एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, हियर एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर, अगेन एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। सो ऑल पैरामीटर्स आर सिमिलर। ग्रेविटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलमोस्ट सभी फार्मूलाज सेम होते हैं। सो हियर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी
of medium between two charges. देखिए यहां डिफरेंस आता है बेटा, ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस है उसमें मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं है. अगर दो मास के इन बिटवीन कोई मीडियम आ जाए, चाहे एयर आ जाए वाटर आ जाए, ये फोर्स इफेक्ट नहीं होती. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये डिफरेंस है. यहाँ जो के है वो मीडियम पर डिपेंड करता है. अब हम के डिस्कस करते हैं. यहाँ के की वैल्यू हम लेते हैं 1/4πε0. इसको फर्दर CGS और SI में अलग अलग डिफाइन किया जाता है. CGS में K की वैल्यू होती है 1, means 1/4πε0 is 1. इसका मीनिंग यही निकलता है बेटा कि अगर ये वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि epsilon0 1/4π है इन CGS सिस्टम. और ये याद रखना, ये रिसेंट एक दो साल हुए अभी बोर्ड में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ epsilon0 इन CGS सिस्टम. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि हम टीचिंग करते हुए अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की CGS वैल्यू क्या होती है. ओके, अब SI सिस्टम में जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर है. इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²-12. इसके यूनिट हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब इस वैल्यू को अगर उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए 1/4, तो ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 एंड 8.85, दैट विल कम आउट टू बी 9 × 10⁻⁹ इन SI सिस्टम. नाउ राइटिंग दिस फार्मूला इन SI सिस्टम, कूलम्स लॉ इन SI सिस्टम, we get 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. And here in SI system 1/4πε0 हमेशा 9 × 10⁻⁹ आता है. अब बेटा कोई भी आर्टिकल है, जैसे बोर्ड में कूलम्स लॉ एक आर्टिकल आ जाता है, ये आप इस तरह उसको कूलम्स लॉ को ये दो डेफिनेशन भी जरूर दोगे. जैसे ग्रेविटी में हम सिर्फ एक वर्ड लेते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट यहां हम लिखेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन. ये बोर्ड में कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखते तो अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हुआ तो इस बात का एक्शन ले सकता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें दोनों होते हैं. नंबर दो, इसमें इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो सिस्टम है उसमें के की वैल्यू जो है वो SI सिस्टम में हमने देख ली, CGS में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4π और के की वैल्यू 1 आती है, और यहाँ के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है. अब एक एंड में जब आप आर्टिकल खत्म करते हैं, मान लीजिए कूलम लॉ आपको आ गया 3 marks और 4 marks whatever, आप उसको जब एंड करेंगे तो आपको एक चीज यहाँ लिखना जरूरी होगा, वो है एनालिटिकल डेफिनेशन. मैं अब उसकी एनालिटिकल डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा. देखिए एनालिटिकल डेफिनेशन हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ दो चार्जेस लेते हैं 1 coulomb each. जैसे इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये एक कूलम है और ये भी एक कूलम है और ये डिस्टेंस 1 meter है. अगर हम इन वैल्यूज को उस फार्मूला में पुट करें 1/4πε0 Q1 Q2 by R square 9 × 10⁻⁹ 1 coulomb × 1 coulomb over 1 meter square, ये बन जाएगा जी 9 × 10⁻⁹ meter. इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ टू चार्जेस ऑफ 1 coulomb ईच आर एट ए सेपरेशन ऑफ 1 meter देन दे अट्रैक्ट और रिपेल each other with a force of 9 × 10⁹ newtons.
Here 9 is to 10 is power 9 Newton is a very heavy force repeating. If two charges of 1 Coulomb each are placed at a separation of 1 meter, then they attract or repel each other with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newtons. Here 9 into 10 raised to power 9 Newton is a very huge force. Normally we know all that electrostatic forces are very very strong in nature. This is one evidence that देखिए जैसे एक 100 केजी पर्सन हो तो उसका वेट जो होगा वो mg यानी कि 100 into 10 1000 न्यूटन होगा और यहां 9 into 10 इस पर 9 न्यूटन है. अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें ये मास बनता है 9 into 10 इस पर 8 केजी जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है. इसका मीनिंग ये है कि नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत लार्ज होती हैं या फिर ये 1 कूलम यूनिट है जो बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का तभी इतनी लार्जर फोर्स डेवलप कर पा रहा है वो भी 1 मीटर डिस्टेंस से. अब इसका CGS यूनिट भी मैं लिख देता हूं. CGS में हम दो चार्जेस एक स्टैट कूलम और सेपरेशन 1 सेंटीमीटर लेते हैं. उससे क्या होता है कि जो फार्मूला है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ये CGS में ये वैल्यू 1 आ जाती है और 1 स्टैट कूलम इनटू 1 स्टैट कूलम ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन जाएगा 1 डाइम राइट. सो हम यहां लिखेंगे जैसे ये डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा ओरली बोल रहा हूं कि अगर दो चार्जेस एक स्टैट कूलम और एक स्टैट कूलम 1 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो वो एक दूसरे को एक डाइम फोर्स से attract या repel करेंगे. Means if two charges of 1 stat coulomb each are at a separation of 1 centimeter then they attract or repel each other with a force of 1 dime. So बेटा ये था first lecture. अब हम इसमें दूसरा जो है medium कैसे introduce करते हैं insulating और conducting वो आपको अभी second lecture में discuss करेंगे. Off कर देंगे.